एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर सदर इलाके से है, जहां प्रतिबंधित दवाई मंगाए जाने पर दिल्ली पुलिस ने की मेडिकल स्टोर में छापेमारी, मचा रहा हड़कंप। बता दें कि दिल्ली से प्रतिबंधित दवाएं प्रतापगढ़ पहुंची तो शनिवार को जेल रोड क्रॉसिंग के पास एजेंसी पर छापेमारी की गई। इस दौरान दुकानदार नहीं मिला, वहां से करीब 2 लाख रुपए की दवाएं जब्त की गई हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सब इंस्पेक्टर प्रहलाद अपनी टीम के साथ जेल रोड क्रॉसिंग के पास स्थित उज्ज्वला मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी के लिए शनिवार सुबह नगर कोतवाली पहुंचे। मकंदुगंज चौकी इंचार्ज विनय कुमार सिंह, सहायक आयुक्त खाद धीरेन्द्र प्रताप सिंह के साथ दिल्ली की टीम उक्त मेडिकल स्टोर पर पहुंची। देर रात तक छानबीन के बाद करीब 2 लाख रुपए की दवाएं जब्त की गई। शहर कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली से प्रतिबंधित दवाएं जेल रोड की मेडिकल एजेंसी पर आने की सूचना पर वहां की पुलिस आई थी। वह दवाएं तो नहीं, लेकिन दुकान पर मौजूद व्यक्ति यहां उपलब्ध दवाओं की खरीद विवरण नहीं दिखा सका। मेडिकल स्टोर संचालक मौजूद नहीं था, ऐसे में टीम ने दवाएं जब्त की हैं और आगे की जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 58 प्रकार की ऐसी दवाइयां मिली हैं जो पूरी तरीके से नकली हैं, जबकि 2 लाख रुपए की नकली दवा को जब्त करते हुए विभाग द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां लालगंज तहसील में हुआ जिला स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन। जिले के कुंडा, तारीगंज, सदर पट्टी और मुख्यालय के साथ गौरीगंज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ तथा प्रयागराज से भी जुटे अधिवक्ता। बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा के विपक्ष में उपनेता प्रमोद तिवारी रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता रामपुर खास की विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता राधना बिस्मोना ने किया। विधायक राधा बिस्मोना ने तहसील परिसर में जन सुविधाओं के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपये की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि तहसील परिसर में विधायक निधि से अधिवक्ता सेट तथा दीवानी अदालत में भी सांसद निधि से 25 लाख की कार्ययोजना जल्द मंजूर कराए जाने का विकल्प है और उसके लिए वह प्रयासरत हैं। कार्यक्रम में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी तथा सीएलपी नेता आराधना बिस्मोना को मानपत्र और अधिवक्ता ने किया सारस्वत सम्मान से नवाजा। इस दौरान कार्यक्रम में अधिवक्ताओं तथा समाजविद का भी आयोजन समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश ने स्वागत भाषण में अधिवक्ता मिशन पर प्रकाश डाला और इसका संचालन ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के कराष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने किया। उन्होंने खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां शटरिंग खोलने गए युवक की हुई जमकर पिटाई। बता दें कि मामला कुंडा कोतवाली इलाके के चिकवन टोला का है, जहां के रहने वाले नीरज सरोज ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि वह विवादित जगह पर लगी शटरिंग खोलने गए थे, तभी दबंगों ने उन्हें जात सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी और जमकर पिटाई की। युवक ने शिकायत किया थाने में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने आखिरकार एसपी से शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि युवक कुंडा इलाके के गडरेन का पूर्वा का रहने वाला है और यह शटरिंग का काम करता है और एक विवादित जगह पर यह शटरिंग खोलने के लिए जब पहुंचा तो उसे अपमानित करते हुए उसे जमकर पीटा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। देखना यह होगा कि मामले में पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी श्री सिंह की जयंती के अवसर पर किया गया विविध कार्यक्रमों का आयोजन। शहर के सियाले श्याम पैलेस में किसान सम्मान दिवस समारोह में जैविक किसान मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किसानों को कंबल वितरित करते हुए किया। इसके अलावा संस्कार ग्लोबल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा किसान सम्मान दिवस पर आयोजित जैविक किसान मेला और प्रदर्शनी पर सुरक्षा रक्षा यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल और जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बच्चों का हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर किसान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सम्मानित किया गया और अन्नदाता किसानों के कल्याण और ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान हेतु समर्पित पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और इसी अवसर पर किसान सम्मान दिवस मनाने का सरकार के द्वारा से निर्देश दिया गया था, तो आज इसी उपलक्ष्य में किसान सम्मान दिवस भी मनाया जा रहा है और किसानों का समारोह भी मनाया जा रहा है। और इस दौरान जो हमारे ब्लॉक से जुड़े स्तर पर जो किसान प्रदर्शित किसान थे उनका चयन करके उनको सम्मानित भी किया गया और अवसर पर जो मेला लगाया गया, जो नए नए तकनीक आ रहे हैं, नई चीज़ों को जो उपयोग शुरू हो रहा है उसके बारे में लोगों को पते भी कराया गया और यहाँ पर जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के संबंध में लोगों से वार्ता भी की गई
कि जो आने वाला समय है वो केवल केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भर रहे, इसका प्रयोग भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इन तमाम बातों पे हम लोगों ने चर्चाएं भी की और इस मेले का आयोजन में हमारे स्कूल के बच्चों ने अपने भी प्रोग्राम किए, तो कुल मिलाकर यह प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हमारा सफल रहा और मुझे उम्मीद है।